नमस्ते यंग इंडिया, मैं हूं दिनेश पाठक। आज की क्लास में आप सभी का दिली स्वागत करता हूं। मैं प्रयागराज की एक सच्ची कहानी लेकर आया हूं, उस प्रयागराज की जिसकी तंग गलियों में सीलन भरे कमरों से भी अफसर निकला करते थे। इसे ऑक्सफोर्ड ऑफ यूपी या इंडिया भी कहा जाता रहा है। मैं जिस मुद्दे पर आपसे चर्चा करने वाला हूँ वह करियर में बहुत मायने रखता है। एक बड़े अखबार में नया नया एडिटर बना, इलाहाबाद यानी आज के प्रयागराज में पहली तैनाती मिली। मेरा रिश्ता पूर्वी उत्तर प्रदेश और अयोध्या से है, तो बड़ी संख्या में उस इलाके के युवा मिलने लगे जो अफसर बनने की ललक में इलाहाबाद में रहा करते थे। मैं उन युवाओं से मिलता तो बहुत आनंद आता। मन में सुकून था कि चलो, देश में मेधा की कमी नहीं है। इनसे प्रेरित होकर मैं विश्वविद्यालय अक्सर जाने लगा। कभी कभी क्लास आदि भी ले लिया करता। मैं नई पीढ़ी से बात करता हूँ तो मन को अच्छा लगता है। इस बीच छिटपुट पेरेंट्स भी अपने बच्चों को मिलने के लिए भेजने लगे। मुझे कुछ 5-6 ऐसे युवाओं की ज़रूरत थी जिनकी मदद मैं अखबार में कुछ घंटों के लिए लेना चाहता था और उस काम के बदले उन्हें कुछ पैसे भी मिलने वाले थे। मीडिया में काम करने की पहली शर्त है अनुवाद आना चाहिए, माध्यम कोई भी हो। भाषा पर पकड़ जरूरी है। अब बातचीत में ये पता करना थोड़ा मुश्किल टास्क है, तो मैंने विश्वविद्यालय में अपनी जरूरत का प्रचार कर दिया। संडे के दिन टेस्ट रखा, करीब 70 लोगों ने रुचि दिखाई, 59 आए भी। 200 शब्दों का अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करने को दिया। एक कॉपी ऐसी लिखने को कहा कि आप जहां कहीं से भी आ रहे हैं वहां से मेरे पास आने तक का तजुर्बा लिख दीजिए। उधर मैं अयोध्या से आए अपने एक मित्र के साथ गपशप करने लगा। 2 घंटे का तय समय बीत गया, कॉपी इकट्ठा हुई, सबको जाने के लिए कह दिया गया। वॉशरूम की ओर जा रहा था कि एक युवा कोने में गुपचुप बैठा दिखा। पूछताछ की, पता चला टेस्ट देने आए हैं लेकिन पन्ने बिल्कुल खाली थे। डरे इसलिए हैं क्योंकि इन्हीं के बड़े भाई मेरे साथ बैठे थे। मित्र ने आओ देखा न ताओ वहीं पीटने लगे। उस युवा की 5 साल की तैयारी का खुलासा हो चुका था। खैर, उसे पिटाई से छुड़ाया। बातचीत की समझ आ गया कि इस युवा में वह क्षमता नहीं थी कि वह अफसर बन पाए। अंदर से जिजीविसा ही नहीं थी। हिंदी अंग्रेजी दोनों में हाथ बुरी तरह तंग थे। किसी दोस्त के कहने पर आ गया था, घर से पैसे आ रहे थे, घूम खा रहा था, मस्ती कर रहा था। 59 में से सिर्फ 2 को मौका दे पाया। ज़्यादातर का अनुवाद बेहद खराब था। कई ने जो हिंदी लिखी वह भी ठीक नहीं थी। मैंने पाया कि इनमें से ज़्यादातर युवा इसलिए इलाहाबाद आ गए थे कि संगम तीरे यूं ही अफसर बनते हैं, जो सिर्फ दिवा स्वप्न था। अफसर बनने के लिए पहले भी ईमानदार प्रयास की जरूरत थी, आज भी है। धरना प्रदर्शन के लिए आप हिंदी का समर्थन करते रहिए, लेकिन बिना अंग्रेजी के ज्ञान फिलहाल इस देश में अफसर तो नहीं बना जा सकता। इस सच को जितना जल्दी स्वीकार कर लेंगे अच्छा रहेगा। बिहार उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों की दशा अभी भी बहुत अच्छी नहीं है, हम सब इसे जानते हैं। समय सरकारों को कोसने का नहीं है, खुद को संवारने का है। अफसर बनने के लिए आपके अंदर आग होनी चाहिए, खुद पर भरोसा होना चाहिए। तैयारी के बारे में सोचना शुरू करें, तभी सिलेबस देख लें, पिछले सालों के पेपर देख लें। इंटरनेट का जमाना है, सारी चीज़ें खुले में उपलब्ध हैं। समझ आए तो ही अफसर बनने का फैसला करें। मन नहीं कर रहा है तो वो प्रोफेशन चुनें जो आपका मन कर रहा है। इससे पैसा भी बचेगा, समय भी। वही समय आप अपने पैशन में लगा देंगे तो कामयाबी मिल जाएगी। किसी की चाहने या कहने या सपने दिखाने भर से घर बार छोड़कर दिल्ली, लखनऊ, पटना, प्रयागराज के लिए रवाना न हो। चाहत आपकी भी होनी चाहिए, नहीं तो पेरेंट्स की गाढ़ी कमाई पानी में डूब जाएगी। देर सवेर पश्चाताप आपको भी करना होगा। इसलिए अफसर बनने की ओर तभी बढ़ें जब अपना मन करे, अन्यथा कहने वाले को विनम्रतापूर्वक मना कर दें। पेरेंट्स को भी मना करने से परहेज न करें, वे अपने ही तो हैं, थोड़ी डांट टपट के बाद समझ जाएंगे। आज इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।